नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत टोरा के नगला माकरौल में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देखिए किस प्रकार एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। अंबेडकर बगीची नगला माकरौल पर तथागत गौतम बुद्ध की 2567वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मानव श्रृंखला एवं खीर वितरण करके महात्मा बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया गया। शोभा यात्रा का उद्घाटन बीएसपी की पूर्व विधायक प्रत्याशी रही किरण केसरी के द्वारा किया गया। जन्म जयंती के अवसर पर महात्मा बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए गाँव में शोभा यात्रा भी निकाली गई। समाज सेवी चक्खन सिंह जाटव के नेतृत्व में पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें महात्मा बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया गया। इसमें प्रमुख रूप से शामिल रहे पूर्व विधायक प्रत्याशी किरण केसरी, चक्खन सिंह, उम्मेद सिंह, आरबीलाल सोनी, मुन्नालाल, रामेश्वर सिंह, ऋषि कुमार, विशंबर सिंह, अजय पाल सिंह, विनय कुमार, जगदीश प्रसाद, साहब सिंह, शंकरलाल गौतम, विनोद कुमार निगम, सुनील कुमार पार्षद, सर्वेश हलवाई, के निगम, लोहरू पेंटर, सियाराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और देखिए किस प्रकार बाबा साहब के समर्थक मौजूद रहे। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ बाबा साहब की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ देखिए किस प्रकार खीर का वितरण किया जा रहा है। बुद्ध की जन्म जयंती के अवसर पर देखिए जहाँ उनकी सभी बातों को, उनके द्वारा बताए गए विचारों को, उनके द्वारा दिखाई गई सतमार्ग को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है, तो साथ ही साथ उनके जन्म जयंती के अवसर पर देखिए किस प्रकार ग्रामीणों द्वारा खीर का वितरण किया जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं यहाँ के आयोजकों से क्या है पूरा मामला। मैं चक्कन सिंह, नगला माकरौल, समाज सेवी। आज ये हमारे तथागत गौतम बुद्ध भगवान का जन्म जयंती मनाई जा रही है जो 2567वीं जयंती है। बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और यहाँ पे प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के बाद में फिर खीर का वितरण हुआ प्रसाद। मेरा नाम है रामेश्वर, समाज सेवी। आज हमने खीर का प्रोग्राम, खीर वितरण का प्रोग्राम किया है और भगवान बुद्ध की आज 2567वीं जयंती मनाई है। मैं ऋषि कुमार, नगला माकौल, ग्राम सभा टोरा का यहीं का निवासी हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी का 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा से महासचिव रहा हूँ। और आज जो भगवान तथागत भगवान बुद्ध 2567वीं जन्म जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम समारोह हो रहा है और एक पूरे सर्व समाज के पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक प्रांत फेरी लगाई और खीर वितरण हुआ और खूब भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार खूब जोरदार से हुआ और आगे भी इसी तरीका से कार्यक्रम हर साल होते रहेंगे। मैं उम्मेद सिंह, नगला माकरौल, पूर्व प्रधान टोरा, और आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है तो ये कार्यक्रम चल रहा है, हम पूरा गांव मिलकर मनाता है इसे। मैं राम रोशनलाल सोनी, नगला माकरौल के निवासी हैं। मैं रोडवेज से रिटायर हुआ हूँ। आज सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर के भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है जिसमें प्रभात फेरी के साथ साथ खीर वितरण का भी किया गया है और इस पर बाबा साहब को और बुद्ध भगवान को नमन करते हैं। मैं के निगम, पूर्व जिला सचिव बीएसपी, वर्तमान में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज नगला माकरौल में तथागत गौतम बुद्ध भगवान की महामानव की बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन पर यहाँ पर बहुत ही लोगों को जागरूक किया गया और प्रभात फेरी निकाली गई। जन जन लोगों को प्रेम का संदेश, जो महामानव का तथागत गौतम बुद्ध भगवान के जो विचार हैं उनसे अवगत कराया गया और बताया गया कि मानव एक समान, समानता का अधिकार की बात कही और यहाँ पर खीर वितरण और यहाँ पर पूरी आदि का
वितरण किया गया है, जिससे एक अलग नगला माकरौल वासियों ने, समस्त नगला वासियों ने इतना भव्य प्रोग्राम किया है जिसका कोई अपने शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकता है। माकरौल आगरा ग्वालियर रोड पे आज बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे खीर वितरित की गई और उनके विचारों को रखा गया। इन विचारों में महात्मा बुद्ध के नियम अनुसार इंसान को इंसानियत का एक पाठ पढ़ाया गया, जिन विचारों में बताया गया कि इंसान को इंसान समझा जाए, ना कि जानवरों की तरह जात विशेष में, लिंग भेद में बांटा जाए, आपसी मतभेद खत्म हो, सभी समानता के बंधन में बंधकर एक भव्य राष्ट्र की स्थापना हो जिसमें इंसान इंसान का महत्व हो। धन्यवाद। नगला माकरौल आगरा।